हैप्पी होली, हैप्पी होली। हमारे देश के कई हिस्सों में होली का त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन कानपुर में किस तरह से होली मनाई जाती है, वहाँ की होली किन रंगों से भरी होती है, किस तरह से कपड़ा फाड़ जो नाली का कचरा होता है वो गुलाल रूपी किस तरीके से मनाई जाती है, आइए दिखाते हैं। ये है कानपुर का गंगा मेला। होली के बाद कई दिन तक इसे खेला जाता है। इसे ना तो अंग्रेज बंद करा सके और ना ही आजाद भारत की सरकारें बंद करा सकी। आज भी कानपुर का पूरा बाजार 5 से 7 दिन तक लगातार बंद रहता है। पूर्व में कई सरकारों ने इसे बंद कराना चाहा, पर यह परंपरा खत्म नहीं हो सकी। आज हम बात करेंगे कानपुर की गंगा होली के इतिहास की, कि आखिर क्या है यहाँ का इतिहास। कानपुर में होली के बाद 7 दिन तक रंग खेले जाते हैं और 7वें दिन गंगा मेला का आयोजन होता है। इसके पीछे स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते हैं कि यह परंपरा पहले से थी। इसके विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। हालांकि शहर में गंगा मेला पर होली खेलने के सन 1942 की कहानी अधिक चर्चित है, लेकिन यह परंपरा काफी पुरानी है। गंगा मेला की कहानी आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों से जुड़ी है। हटिया को शहर का हृदय था और गल्ला लोहा और कपड़े का कारोबार होता था। आजादी के आंदोलन में यहां पर क्रांतिकारियों का डेरा रहता था। काफी बड़े व्यापारी गुलाब चंद सेठ होली पर बड़ा आयोजन करते थे। होली पर आए एक अंग्रेज अधिकारी ने रंग खेलने से रोका था, तो सेठ ने इनकार कर दिया। इस पर सेठ को गिरफ्तार किए जाने पर जागेश्वर त्रिवेदी, पंडित मुंशीराम शर्मा सोम, रघुबीर दयाल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बुध दुलाल मेहरोत्रा और हामिद खान ने विरोध जताया। इस पर सभी ने साजिश रचने के मामले में पकड़कर सैरसैया घाट कारागार में डाल दिया था। इस गिरफ्तारी के बाद भड़के शहरवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इससे घबरा अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया था। अनुराधा नक्षत्र के दिन हुई रिहाई के बाद सभी एक साथ होली खेले थे। हटिया से रंग भरा ठेला निकाला गया और जमकर रंग खेला गया। इसके बाद सैरसैया घाट पर मेला लगा दिया गया था, जिसके चलते यह दिन गंगा मेला दिवस के रूप में प्रचलित हो गया था। आंदोलन की कहानी अधिक चर्चित हुई है, लेकिन गंगा मेला की परंपरा पहले से रही है। कानपुर का अस्तित्व होने से पहले जजमाऊ में परगना का क्षेत्र था और यहां पर रंग पंचमी तक होली मनाने का जिक्र इतिहास की किताबों में भी है। कानपुर के इतिहास पर किताब लिख चुके मनोज कपूर की माने तो रंग पंचमी पर होली मनाने की परंपरा करीब 100 साल पहले की है। यह बात दस्तावेजों में भी है। कानपुर पर इतिहास की पहली किताब दरगारी लाल की 1870 में लिखी किताब तावीरीख ए कानपुर में 7 दिन की होली का जिक्र है। कानपुर में दूर दराज क्षेत्र से व्यापारी आते थे और बाजार बंद नहीं होता था। होली आने के दौरान फसल तैयार होने के कारण बाजार में कामगारों को घर जाना होता था, जिसके चलते व्यापारियों ने 6 या 7 दिन का अवकाश होली से अनुराधा नक्षत्र तक तय किया था। यह 5, 6 या 7 दिन का माना गया। तब से होली से अनुराधा नक्षत्र तक रंग खेलने की परंपरा चली आ रही है। 7 दिन तक की होली की परंपरा को खत्म करने का प्रयास हुए, लेकिन असफल रहे। पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1 दिन की होली मनाने को कहा था, लेकिन व्यापारियों ने मना कर दिया था। 7 से 10 दशक में भी जिलाधिकारी ने 1 दिन की होली के लिए मनाया और मिठाई खाई, लेकिन अगले दिन फिर होली शुरू हो गई तो प्रशासन भी पीछे हट गया। ये थी देश के अलग अलग हिस्सों में खेली जाने वाली होली की कहानी। आप कहानियों और नए किस्सों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी।